दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आपको एक यूपी ट्रिपल एससी पेट की एक बहुत अच्छी बुक रेकमेंड करना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने यूपी ट्रिपल एससी पेट में आवेदन कर रखा और प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, साथ साथ आप लोग पूछते रहते हैं सर बेस्ट बुक बताइए। तो एक चक्षु पब्लिकेशन की बुक आती है जो बहुत ही वन ऑफ दी बेस्ट बुक होने वाली है यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी करने के लिए। ये इनका कवर पेज है और ये जो सिलेबस है ऑफिशियल उस पर पूरा बेस्ड है। गाइड पूरा होने वाला है, इनकी संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। सारे टॉपिक आपके जो सिलेबस में है वो इस बुक में आपको मिलने वाले हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको अदर बुक से पढ़ना पड़े, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। 2200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, व्याख्यात्मक हल सहित दिया गया है और ये बुक आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा हर जगह और ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे भी अवेलेबल है। ये यहाँ पर इनका इंडेक्स देख सकते हो, ये पूरा सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा, पाठ्यक्रम है और इसका इंडेक्स यहाँ पर देख सकते हैं। सारे टॉपिक आपको यहाँ पर इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको इसका प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस बुक भी खरीद सकते हो चक्षु पब्लिकेशन का। ये आपकी गाइड होने वाली है, साथ साथ ये आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी पैट का। तो ये दोनों बुक आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है खेल कूद यानी स्पोर्ट्स से। आप लोग काफ़ी दिन से कह रहे थे सर स्पोर्ट पे एक वीडियो बना दीजिए, खेल कूद संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर बना दीजिए। देखो, 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे पेपर 1 के जीके के सेक्शन में इस टॉपिक से। तो आप ये छोटी सी वीडियो 10 से 11 मिनट की होने वाली है, आप इसको पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और हाँ, मेरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं भी देखना चाहता हूँ आप लोगों का ये टॉपिक कितना कवर है और कितना क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और हमेशा की तरह दोस्तों पीडीएफ के लिए 500 लाइक का एम रखता हूँ, 500 लाइक जल्दी से इस पर पूरा कर दो 1 घंटे के अंदर, ताकि इसका पीडीएफ फाइल मैं तुरंत आपको प्रोवाइड कर दूँ। करंट अफेयर की वीडियो मैंने सुबह अपलोड किया, आप लोग उसको जरूर देखिएगा जाकर चैनल पर, और लिंक भी मैं एंड में दे दूंगा। उसमें मैंने 5 मंथ का करंट अफेयर कवर करवाया है, क्वेश्चंस कवर करवाए हैं, तो जाकर जरूर देखो। करंट अफेयर वाली वीडियो भी अपलोड कर दिया आज मैंने। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, वीडियो अच्छे लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, यहाँ पर मैंने मिसलिनियस क्वेश्चन लिए, विविध प्रश्न लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। तो यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर कमेंट करके आप लोग बताएं। और पीडीएफ फाइल आप सबको मैं देता हूँ, हर क्लास का देता हूँ, 500 लाइक का एम रखता हूँ। जैसे ही 500 लाइक हिट हो जाता है वीडियो पे, मैं तुरंत पीडीएफ फाइल सेंड कर देता हूँ। तो जल्दी से भाई 1 घंटे के अंदर इस वीडियो पे 500 लाइक हिट कर दूँ, ताकि मैं इसका पीडीएफ फाइल आपको तुरंत दे दूँ, समय बहुत कम बचा है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर यहाँ पर जितने लोगों ने उत्तर दिया बी का उत्तर हो जाएगा, 1900 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर दो आप लोग। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 74 का उत्तर कमेंट करके बताएं, भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना। तो 1983 में बना भाई, बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 75 देखो, निम्नलिखित में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है, इंपॉर्टेंट है भाई। 75 का राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताओ। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, रूस। ठीक है, अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर दो। लगभग मैंने मोस्टली टॉपिक कवर कर दिए हैं और अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन से टॉपिक छूट रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करो कमेंट बॉक्स में कि किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए आपको। अभी 2-3 दिन टाइम है, मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ आप सबकी तैयारी कंप्लीट कराने के लिए। तो आप लोग कोई टॉपिक अगर छूट रहा है, कोई महत्वपूर्ण टॉपिक, तो आप मुझे याद जरूर दिलाएं, कमेंट में जरूर कहें, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जापान। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 77 है, देखो डी कथलॉन क्या है भाई, बताओ। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर, 77 का राइट आंसर यहां पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, 10 आइटम की प्रतियोगिता। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 78 है, ढींग एक्सप्रेस क्या है बताओ भाई। 78 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, हीमा दास का मुंह बोला नाम है। क्या है? डिंग एक्सप्रेस, हीमा दास का मुंह बोला नाम है। ठीक है, यानी कि लोगों ने उनको नाम दिया डिंग एक्सप्रेस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से क्या किसी खेल का नाम नहीं है।
79 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ओलंपिक जो है आपका, ये कोई खेल का नाम नहीं है, ठीक है। बाकी सारे खेल के नाम हैं, ओलंपिक एक प्रतियोगिता है, ठीक है, खेल नहीं है। अगला देखो 80 नंबर है, 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर कमेंट करके बताएं आप लोग। 80 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 का हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीत पाल सिंह। अगला है क्वेश्चन नंबर 81 है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन किस वर्ष में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर कमेंट करके बताएं आप लोग। 81 का क्या हो जाएगा, 81 का हो जाएगा डी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1983 ईस्वी में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक क्रिकेट विकेट लिए हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, 82 का राइट आंसर, 82 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लेन मैकग्राथ। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत के किस राज्य ने मलखंब को अपना राज खेल घोषित किया है। कौन से राज्य ने, भारत के किस राज्य ने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है, इंपॉर्टेंट है भाई। 83 का उत्तर कमेंट करें, तो 83 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 84 है, हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर कमेंट करें आप लोग। 84 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा त्रिचूर में। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 85 है, सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है। 85 का राइट आंसर दो आप लोग। 85 का राइट आंसर ऑप्शन सी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 86 है, इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 का उत्तर करें आप लोग। 86 का राइट आंसर, 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कमेंट करते रहो भाई शतरंज। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 87 है, नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे। 87 का राइट आंसर बताओ आप लोग। 87 का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किस खेल के में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता। 88 नंबर का उत्तर दो, 88 का क्या हो जाएगा भाई सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 89 है, दबंग मुंबई कालिंगा लार्सस रांची रेंज और दिल्ली वेब राइडर्स जैसी क्षेत्रीय टीमें किस खेल प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। 89 का उत्तर दें आप लोग। 89 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी इंडिया लीग। अगला देखो 90 नंबर, किस खेल के विश्व निकाय ट्रिपल्स नामक एक नया खेल प्रारूप पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 90 का उत्तर दो भाई, करंट के क्वेश्चन भी है यहाँ पर, करंट अफेयर के भी। 90 नंबर का उत्तर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई बैडमिंटन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध कहा। क्वेश्चन नंबर 91 का उत्तर करें आप लोग, जल्दी जल्दी बताओ भाई। सब लोग क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, और लगभग मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। अभी एक आध जो बच रहे हैं भाई कमेंट करके याद दिलाओ, बताओ भाई कौन सा टॉपिक और वीडियो चाहिए आपको। 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 91 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 92 है, किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर, 92 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। नहीं, 92 का यहाँ लगाना है भाई, ऊपर लगा दिए, इसका तो श्रीलंका होगा। ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2011, 92 का क्या हो जाएगा भाई 2011। और ये रहा दोस्तों आपका अंतिम प्रश्न 93 डॉट डॉट डॉट, आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल कौन सा है। बताओ भाई आधिकारिक तौर पर, नहीं ऑफिशियली
गोवा का राजकीय खेल कौन सा है? 93 का कमेंट करके बताओ भाई, सबको आना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। और भाई ये आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपको एक टॉपिक अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लो। और बहुत सारे टॉपिक के कवर हो चुके हैं ऑलरेडी, आपके पास समय बहुत कम है, जाकर चैनल पर देखो, बहुत छोटे छोटे वीडियो 10-15 मिनट के सारे टॉपिक कवर किए हैं, तो उन वीडियो को देख लो, रिवीजन भी हो जाएगा और टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। आपके करंट अफेयर से लेकर आपके जितने भी जीके के टॉपिक हैं, जितने भी हिंदी टॉपिक है, सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, तो चैनल पर विजिट जरूर करो। 93 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, फुटबॉल आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल है। तो दोस्तों इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग जरूर सजेस्ट करना कि कौन सी टॉपिक नेक्स्ट होनी चाहिए। और हाँ, पीडीएफ फाइल के लिए जल्दी से इस पे 500 लाइक हिट कर दो, जितनी जल्दी हो जाएगा मैं तुरंत इसका पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा। तो फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जाकर करंट अफेयर वाली वीडियो देखो जो सुबह मैंने अपलोड किया है। आपको यहाँ पर लिंक उसका लगा दूंगा, ठीक है, यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उसका लिंक, उस पर क्लिक करके जा सकते हो। थैंक यू सो मच।